हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीगो व्लॉग्स। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। तो आज हम स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं लोनावाला। लोनावाला के नियर बाई है जिसका नाम ओवीज हॉलीडेज है, जो स्टेकेशन के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। पहले हम स्टार्टिंग में आपको पूरा बताएंगे कि कैसे क्या क्या यहाँ पे है, और फिर आपको रूम टूर भी देंगे, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में हम इधर का जो एड्रेस है वो भी डाल देंगे, और जो प्रॉपर्टी है जहाँ से हमने बुक किया है उसका भी लिंक आपको दे देंगे। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ है, लाइक स्विमिंग पूल है, फिर कैंटीन है, इन हाउस कैंटीन है, और यहाँ पे बंगलो टाइप है, लाइक बंगलो टाइप नहीं है, एक प्रॉपर्टीज है, बट बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, और वो सब आपको मैं रूम टूर में दिखाएंगे। तो आज हम जहाँ स्टेकेशन के लिए आए हैं वो लोनावाला के बाजू में जो मालवली है उसके बाजू में डोंगर गांव है। यहाँ पे मिजेल विलाज एट लोनावाला तो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे जाओगे तो मालवली स्टेशन है पीछे की साइड, और इस साइड जाओगे तो लोनावाला है, इस साइड से लोनावाला आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है, और बुक किया है वो कैसे बुक किया है वो हम आपको रूम टूर के टाइम बता देंगे। तो अभी आपको मैं अंदर जाके पूरा बताता हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या किधर है, और एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में प्राइस हम बताएंगे कि कितने प्राइस में हमने बुक किया है। बहुत ही अच्छे प्राइस में हमने बुक किया है। यस, तो अंदर जाते हैं, और ये इसका एंट्रेंस है। तो ये एंट्रेंस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मिजेल है, और यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ पे ऐसा गार्डन टाइप बना हुआ है, यहाँ पे वॉकिंग पाथ दिया है गार्डन टाइप। तो अगर आपको अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो नेचर का, अच्छे से अगर आपको आनंद लेना हो तो आप यहाँ पे वॉक कर सकते हो। बीच में लॉन टाइप दिया हुआ है, तो लॉन में अगर कोई फंक्शन है तो यहाँ पे कर सकते हो। तो हम अभी 2 BHK वाले इसमें हैं, और 2 BHK, और जैसे मैं बोला ओवीज हॉलीडेज है, ओवीज हॉलीडेज। तो यहाँ पे 3 BHK विलास भी है, 2 BHK 1 BHK विलास भी है, और यहाँ पे आगे सेल्स ऑफिस है, तो हमको राइट में जाना है। तो ये जो दिख रहा है आपको ये कैंटीन है, तो अगर आपको आपके रूम है वहां से अगर आपको ऑर्डर करना हो खाने का तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर यहीं से अगर राइट मारोगे तो आपको स्विमिंग पूल दिखेगा। ये स्विमिंग पूल लाइक साइज में प्रॉपर है, ज्यादा अच्छा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है। हम भी यहाँ कुछ टाइम में जाएंगे, हाँ यहाँ पे हम आने वाले है, और वाटर अगर देखो तो क्लीन है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस, अगर आप वहाँ पे देखो कंटिन्यूस पानी फ्लो होता रहता है, और वहाँ पे बच्चे लोग वाला स्विमिंग सेक्शन दिया गया है। और अगर आपको यहाँ पे बैठे बैठे अगर आपको कुछ फूड ऑर्डर करना हो आप कर सकते हो, और सामने ही अगर आप सामने देखोगे वहीं पे ही पूरे प्रॉपर्टीज है, तो बहुत नजदीक है। पूल का टाइम है 9 to 7, जी हाँ, सुबह को 9 से 7 बजे, और कैंटीन का टाइमिंग आपको साइड पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो अभी हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और रूम और आपको यहाँ पे स्विगी और जोमेटो भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, स्विगी और जोमेटो भी अवेलेबल है, अगर आपको स्विगी और जोमेटो करना है आप बिंदास कर सकते हो। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं रूम टूर की तरफ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो ये जो प्रॉपर्टी है ये पहाड़ों से सराउंडेड है, तो अगर आप विंटर और रेनी सीजन में आ रहे हो तो बहुत मजा आएगा। विंटर में ठंडी भी इतनी यहाँ पे होती है, और रेनी सीजन में यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप आ रहे हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ आओ, तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, और बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पे, और यहाँ के जो रूम्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। आप देख पाते रहोगे सब में बालकनी और सब कुछ है, और बीच में यहाँ पे गार्डन भी है, तो अगर आपके छोटे बच्चे भी है तो यहाँ पे खेल सकते हैं। यहाँ पे झूला भी दिया हुआ है, आप टाइम यहाँ पे टाइम आपका कैसे जाएगा कुछ आपको मालूम नहीं पड़ेगा, चुटकियों में आपका टाइम जाएगा। अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो तो 2 दिन के लिए आना, एक दिन के लिए मत आना, क्योंकि एक दिन में आप यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक दिन में आप रेस्ट करोगे फिर स्विमिंग पूल में जाओगे, तो 2 दिन के लिए अगर आप आ रहे हो तो बहुत अच्छे से आप एंजॉय करके जाओगे, और पीसफुली आप वापस घर पे जाओगे। तो वो हमारा रूम है, यहाँ पे सीरीज होती है A B C D E H, ऐसा सीरीज है, तो हमें H हमारी सीरीज है। रूम टूर के तरफ चलते हैं, चलो आपको रूम का टूर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या एमिनिटीज दी हुई है रूम में। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉपर्टी है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एंट्रेंस है,
और यहाँ पे इसका डोर है, तो डोर जैसे हम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे शू रैक मिलेगा, आप यहाँ पे शू को रख सकते हो। और यहाँ पे प्यारा सा एक बेड है जो सोफा कम बेड है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये ओपन होके भी होता है, तो ये भी अच्छी फैसिलिटी है। और यहाँ पे मस्त अच्छा सा एक बुद्ध भगवान का एक नाइस सा पोर्ट्रेट है यहाँ पे। और आगे अगर आओगे तो पूरा वाइब्रेंट कलर दिया हुआ है, ब्लू और व्हाइट का मिक्सर है। और यहाँ पे कर्टन है, और कर्टन के बाहर देखोगे तो आपको गैलरी मिलेगी, और गैलरी के बाहर पूरा प्रॉपर्टी है। और साथ ही में आपको यहाँ पे टीवी भी मिलती है, अगर आप ग्रुप में आते हो तो आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स एंड चिल भी कर सकते हो, विद साउंड बार भी है। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चे के लिए पर्सनली टॉडलर सीट भी दी हुई है। ये बहुत एक अच्छी चीज की है, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। साथ ही में फोटोशूट के लिए ये अच्छी सी चेयर दी हुई है, यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो आपको किंग वाली पूरी विरल जाने वाली बैठ के दिखा। देखो मस्त अच्छा सा फोटो अच्छे से आएंगे, और बहुत अच्छी है सीटिंग भी अच्छी है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल दी हुई है और दो चेयर दी हुआ है, तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप टेबल पे खा भी सकते हो। और बेस्ट पार्ट मुझे लगा यहाँ का सैंडलियर, तो ये बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे अगर आप फोटोशूट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये रिमोट कंट्रोल वाला फैन है, तो आप रिमोट से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, अगर आप बेड पे हो तो, अगर आपको उठने का कंटाला आ रहा है आप रिमोट से हैंडल करो। अगर आते हैं किचन साइड तो आपको एक फ्रिज दिया हुआ है, फ्रिज और ये वर्किंग कंडीशन में है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप पूरा यूज कर सकते हो। ओवन भी दिया हुआ है, तो किचन का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, ओवन है, फिर गैस दिया हुआ है, पानी के लिए आरओ भी दिया हुआ है, वाटर प्यूरिफायर दिया हुआ है, और आपको थोड़े से यूटेंसिल भी मिलते हैं। अगर आपको नॉर्मल हल्का सा एकदम आपको अगर कुछ खाना बनाना हो, मैगी हो या चाय हो, आप बना सकते हो। एक बालकनी भी दी हुई है, तो ये भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ का ये रूम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कलर और ये सैंडलर के इसमें बहुत वाइब्रेंट कलर है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और यहाँ पे फ्रेम्स का कोई कमी नहीं है, यहाँ पे भी फ्रेम है, वहां पे बुद्ध भगवान का फ्रेम है। तो अभी और एक बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो बालकनी है उसके अंदर भी सोफा दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पे बैठ के अगर आपको हाई टी एंजॉय करना हो या आपको कोई बुक रीड करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन मिलती है, साथ में से अच्छा सा मिरर मिलता है, आप यहाँ पे बेसन अप हो सकते हो, आप रेडी हो सकते हो, और उसी के साथ में आपको एक बाथरूम मिलता है। तो बाथरूम में भी बहुत अच्छा है, पूरा वेल मेंटेन है, और साथ में शावर भी है। अब जाते हैं मास्टर बेडरूम में, यहाँ का भी ये कलर देखोगे तो ये एलईडी में बहुत अच्छे से लाइक एकदम मिनिमलिस्टिक वाला लुक आ रहा है। तो ये मास्टर बेडरूम है, पूरा बेडरूम व्हाइट कलर का है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट से यूज किया है वो पिंक कलर के एलिमेंट से यूज किया है। अगर आप फ्रेम भी देखोगे तो पिंक कलर के फ्रेम से ही उनको पूरा मेंटेन किया हुआ है। और साथ ही मैं बेड की बात करूं तो ये किंग साइज बेड है, और एकदम मस्त मुलायम है, मऊ है। और साथ ही में और एक बात, नाइट लैम्प के लिए इन्होंने एकदम मस्त वाला फीचर दिया है, अगर ये देखोगे अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा डाउन, डिम हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर स्लाइड करोगे तो इसका जो ब्राइटनेस है बढ़ जाएगा। साथ ही में यहाँ पे कलर ऑप्शन भी है, आप कलर ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी इसके हम बंद करते हैं, और जैसे मैं बाहर बोला टीवी मिलता है, यहाँ पे भी टीवी मिलता है, और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजन प्राइम सब आप इसमें देख सकते हो, चिल कर सकते हो। और साथ ही में आपको वार्डरोब भी दिया हुआ है, वार्डरोब में आपको एक्स्ट्रा बेडशीट मिलता है, सब कुछ आपको प्रॉपर मिलता है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं बताया कि मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे भी आपको एक वॉशरूम मिलता है, ये भी बड़ा वाला वॉशरूम है विद गीजर है, दोनों बाथरूम में गीजर है। और साथ ही में यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए आपको एक मिरर दिया हुआ है, जो लॉन्ग मिरर है, आप पूरा देख सकते हो। और यहाँ पे एक विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से भी बहुत अच्छा सा सनलाइट आता है।
अब जाते हैं सेकंड बेडरूम में, जो मास्टर बेडरूम नहीं है बट बहुत अच्छा है। तो ये सेकंड बेडरूम है, ये भी फुल व्हाइट कलर का है बट इसमें येलो कलर के एलिमेंट यूज किए हुए हैं। फ्रेम देखोगे ये भी ब्लैक एंड व्हाइट विथ येलो कलर है, तो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। और ये किंग साइज बेड नहीं है, ये क्वीन साइज बेड है बट ये एकदम फ्लफी है और मुलायम है। साथ ही में यहाँ पे आपको टीवी भी मिलती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो आप देख सकते हो। और वहां पे आप देखोगे वहां पे भी वो स्मार्ट लैंप दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको वार्डरोब भी मिलता है, वार्डरोब में भी यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा बेडशीट और पिलो मिलता है। और ये जैसे बोला येलो कलर के कर्टेंस है और बाहर आपको पूरा नजारा मिलता है। अगर आपको डे लाइट अगर पसंद है तो आप इसको ओपन कर दोगे तो आपको डे लाइट का नजारा मिलेगा। ये रूम में वाईफाई है, पूरे रूम को कनेक्टिविटी है वाईफाई का। और आपको हर रूम में एसी मिलेगी, तो गर्मी में भी आप आ रहे हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, एसी का फुल आप एंजॉय कर सकते हो। और बाकी तो बहुत रूम बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छे अच्छे लगे। हाँ, और जो प्राइस में हमने बुक किया है वो प्राइस में सेटिस्फेक्शन है, बेस्ट रूम है। और जैसे कि आपको मैं बताया था कि जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो रूम का लिंक है एयरबीएनबी का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं पूल में थोड़ा एंजॉय करने के लिए। यस, क्योंकि बहुत गर्मी है, जब पूल का एक्सेस दिया तो पूल का मजा क्यों नहीं लेने का, पूरा वसूल। तो अभी तो फिलहाल धूप है बट उतना ही नहीं है, थोड़ा कम हो गया है वहाँ, तो अच्छा लग रहा है। और हम हमारे स्विमिंग पूल के कॉस्ट्यूम में आ चुके सब। और आपका पूल का टाइमिंग होता है सुबह 9 से 7 बजे का। जी हाँ, तो 3-4 घंटा तो वहीं पे एंजॉय करने वाले हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी बहुत अच्छा, वहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल है और बहुत बड़े लाइक अच्छे लास्ट स्पेस में पूरा प्रॉपर्टी है। अगर आप देखते रहोगे तो यहाँ पे भी बंगलोस है और यहाँ पे भी बंगलोस है। तो अभी हम पूल में जा रहे हैं, आप टाइम लैप्स को एंजॉय करो। किसने तो आपने प्रॉपर्टी का पूरा टूर देखा, रूम टूर देखा, तो अभी बात करते हैं प्राइसिंग का। और एक बार मैं बता देता हूँ कि ये एयरबीएनबी से हमने बुकिंग किया था और इसका प्राइस था ओनली 5000। और ये डिपेंड करता है रेट वीकेंड और वीकडे पे। अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो तो उसका प्राइस वेरी हो सकता है, अगर आप वीकडे पे आ रहे हो तो आपको प्राइस 5K अराउंड आपको मिल जाएगा, बट 5K हिसाब से वर्थ है, वर्थ है। और हमने हम 5 जन है तो अच्छा है। 5000 लाइक 1000 पर पर्सन, तो बहुत अच्छा डील मिली हमें। तो अगर आप इस डील को ग्रैब करना चाहते हो तो हमने जो लिंक दिया है एयरबीएनबी का, तो उसमें जाके आप जरूर से चेकआउट करो और यहाँ पे अच्छा सा वेकेशन मनाने के लिए आ जाओ। दोस्तों आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये एयरबीएनबी स्पॉन्सरशिप है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम यहाँ पे स्टेकेशन के लिए आए तो सोचा कि आपको भी एक एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसा यहाँ पे स्टेकेशन होता है और क्या हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, तो वही हम आपसे शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप आ रहे हो तो अच्छा प्रॉपर्टी पे आओ, आपके पैसे वसूल हो, बस वही। और ये पैसा वसूल प्रॉपर्टी है। वो तो है, पैसा वसूल प्रॉपर्टी है। और भी हमें अगर मौका मिलता है तो हम और भी एक्सप्लोर करेंगे और आपके लिए हम जरूर से डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, यहाँ तक अगर आपने पूरा देखा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के। और हाँ दोस्तों, हमने स्टेकेशन का और एक ब्लॉग बनाया हुआ है, वो आई बटन में दे देंगे, वो आई बटन पे दे दूंगा जो ग्रैंड हयात का बनाया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।